फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दशमी की मैं आप सबको मेरे तरफ से प्यार, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। और शायद आप लोग को मालूम होगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो दायित्व होता है, जो ड्यूटी होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो मैं जानता हूँ। तबीयत जितना भी खराब हो, जब तक मुबागरा, जब तक प्रतियोग मलिक अपना दोहा को प्यार करेगा, कोई भी तबीयत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके संग हूँ, आई एम विथ यू, मैं हमेशा आपके संग रहूँगा, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक कर पाएंगे। तबीयत ठीक रहता है या खराब रहता है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको आज भस्म भोजन है, मैं आपको इसके बाद हम लोग बैठ के खाएंगे, मैं आपको सिर्फ दो या तीन चीज बोलना चाहता हूँ। और आप लोग कैमरे से भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये मैसेज जाएगा। आज यहाँ में प्रद्योत मानिक्य ये मुबागरा खड़ा है, कल कुछ गारंटी नहीं है कि मैं यहां में खड़ा रहूं, कुछ गारंटी नहीं है कि कल मेरा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, कुछ गारंटी नहीं है जिंदगी में, कुछ गारंटी नहीं है कि आप लोग यहां रहे हैं। और आज आप लोग मुबागरा के लिए फाइट कर रहा है, कोई देवबर्मा के लिए कर रहा है, कोई रियान के लिए कर रहा है, कोई जमातिया के लिए कर रहा है, कोई काइपिंग के लिए कर रहा है, कोई उच्चोय के लिए कर रहा है, कोई चाकमा के लिए कर रहा है, कोई रूपिनी के लिए कर रहा है, कोई हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए कर रहा है। लेकिन जब तक आप लोग टीपरासा थानसा एक देश होकर आप लोग नहीं आएगा, तो ये भी गारंटी नहीं है कि नियुमा रहेगा, मुबागरा का नाम जो था वो रहेगा, लेकिन जब तक अगर भविष्य में टीपरासा नहीं रहा, हमारा जो सोच है, आइडिया है, वो नहीं रहा, तो हस्म पूजन करके भी, त्योहार बना के भी, मजागिरी करके भी, गरिया करके भी क्या मिलेगा। आज जो गरिया मदन ने बोला, अच्छा बोला, मैंने सुना उसको। आज हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये है कि हम लोग के अंदर लोभ है, लालच है, स्वार्थ है। आज हम लोग पहले अपने बारे सोचता है और अपने देश के बारे, अपना जाति के बारे बात नहीं सोचता। आज इसी के लिए आज ये हमारा परिस्थिति है। आप स्वीकार नहीं करना चाहता मत करो, ये जगह ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी लोग आए और हमारी जगह को ले लिए, हमने खुद भी अपने अंदर थानसा कहां है। आज इसके लिए मैं लड़ा। आज प्रद्युत मलिक्य कोई पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा है, मुबागरा बनने के लिए नहीं लड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एकदम नहीं। आज से 10 दिन बाद, 7 दिन बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अभियान, वहां मैं जाके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, एमपी बनाओ, नहीं, दोहा की बात। और दोहा को कौन चलाता है, एमएलए, एमडीसी, नेता लोग नहीं, दोहा को आदम या ओखरा चलाता, ओखरा चलाता, होदा चलाता है, कास्को चलाता है, चौधरी चलाता है, कारबारी चलाता है। लेकिन यहां पे हम लोग का सिस्टम ही अलग है। हर टाइम हमने
जाति को राजनीति के संग मिलने का कोशिश। कल मेवा कुमार जवान की आईपीएससी ने मुझे निमंत्रण दिया है, कल जाऊंगा। तिपरा मथ का चेयरमैन बन के नहीं जाऊंगा, तिपरा साहब के जाऊंगा। और आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, और ये जो मेरा मैसेज है आप लोग कामी कामी में लेके जाओ। मैं आपको बोल नहीं सकता हूं कि मैं एक साल बाद यहां रहूं या ना, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई वॉन्ट समथिंग, कुछ अपना प्रश्न हो। अगर अपना लिए कुछ हमको चाहिए था तो हम कब अंडरस्टैंडिंग करके अलायंस करके कब से हम आराम से सेटल कर दे। लेकिन ये मेरे बारे नहीं है, ये पॉलिटिक्स के बारे नहीं है, ये एमएलए बनने के लिए नहीं है, ये एमपी या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं है। ये जो एक राज्य जो त्रिपुरा है, हजार हजार साल जहां पे हम लोग का त्रिपुरा से लोग इस मां पे चला, हम लोग का शासन था, महाराजा का नहीं तिपरासा का शासन। आज अगर हम लोग एक होकर दिल्ली में एक आवाज में हमने अपना डिमांड रखा तो दिल्ली भी हम लोग को सीरियसली ले। मैंने बहुत देखा है जब से हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, मैं ओपनली बोलता हूं, ठंड से नहीं है, हम लोग कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। यहां में आप बुबाकरा को देखो, हमने कुछ पोस्ट अपने नहीं किया इलेक्शन जीतने के बाद, विजय राठौर को प्रेसिडेंट बनाया अपना पार्टी में। कल मैंने बोल दिया है कि मैं मुख्यमंत्री या एमपी भी नहीं बनना चाहता। और यहां में हम लोग एक बीच में लड़ रहा है, कहीं पे मैंने चौराहे बियाज का कॉन्फ्लिक्ट देखा, कहीं पे मैंने देखा है कि हमारा ग्रू मथो और सांगरोमा में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, बीएसको में अंडरस्टैंडिंग, यहां में दो दो क्षत्रिय समाज है। जब बुबाकरा को कुछ पोजीशन नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्यों एक दूसरे से पोस्ट पोजीशन के लिए ओपनली झगड़ा करें। जिस दिन अपना अलग आइडिया होगा, ग्रेटर त्रिपुरा हो या त्रिपुरा कुछ भी हो, तब आप लड़ो। लेकिन जब तक हमारा जो उद्देश्य नहीं मिलता है, जो हम लोग का जो टारगेट है, जो हम लोग का गोल है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक तो एक रह के रहो। लास्ट ईयर अशोक पूजन किया, आज कर रहा हूं, पूर्ण से बात किया मैंने, हमारे सीएम है यहाँ, हमने बोला कि जो भी हम लोग का काउंसिल का बकरा है आदम है उनको स्टाइपेंड हमने सब पास कर दिया है। लेकिन यहां भी आप लोग के बीच में थानसा नहीं, और ये थानसा किसने तोड़ा? जब आज से 100 साल पहले एक ही हसमुख भोजन में जवंतिया, देव वर्मा, रिया, उच्च, रूपिनी, रामखोल पूरा 19 होता, एक साथ बैठकर मुबाकरा वीर किशोर मानिके हो या वीर विक्रम मानिके हो, किसान बैठकर खाना खा सकता था, बात कर सकता था, तो आज क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे तो लगता है कि हम लोग पहले ज्यादा मॉडर्न था, आज हम लोग बैकवर्ड हो गए। आज से 100 साल पहले हम लोग कोई ने नहीं देखा कि ये जवंतिया का गांव है, ये देवर्मा का है, ये या त्रिपुरा का है, या ये काइपिंग का है, या कोलोई का है। आज हम लोग देखते हैं, आज अगर हमारा घर में आग लगा है, अगर आज हमारा कामी में आग लगा है, ये है क्योंकि हम लोग के अंदर ही एकता नहीं है, हंसा नहीं,
मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पूरा देश में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में सब लोग बोले हाँ टिपरा का लोग भी एक होकर जैसा पहले था वैसा हो। मैं अपना कर्तव्य कर, मेरा शरीर ठीक नहीं, लेकिन तभी भी मैं आपके लिए, और इतना जो प्रेशर है, इतना हमको भी दुख लगता है, हमको भी बहुत खराब लगता है कि रोज फोन कोई करता है टिपरासा का क्या करना चाहिए, सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करता, बोलता वो खराब है, ये खराब है, कोई अच्छा है कोई बोलते नहीं। यही तो हम लोग का प्रॉब्लम है, जलन, ग्रीड, जेलसी। आज अगर हमको हमारा ग्रेटर टिपरलैंड या टिपरलैंड मिला, तो आज जो हम लोग 30% के लिए फाइट कर रहे हैं, 19 ट्राइब 30% के लिए फाइट कर रहे हैं, वो 19 ट्राइब को 100% नौकरी मिलेगी, 30 नहीं 100%। रेजर्वेशन अलग हो जाए, सुविधा अलग हो जाए, यहां में मुझे कितना खराब लगा जब यहां पे हमारा चोरे है, हमारा रियांग है, आप लोग के बीच में जब पॉजिटिव, बहुत खराब लगा हमको। और तब बुबाग्राम कोई आगे बोलता है कि आप साइड लो, आप उनके संग है या इनके संग, हम बुबाग्राम होके टिपरासा का जैसे टिपरासा का कैसा फाइट होता है। और ये हम लोग सब भूकंपाया है, हम लोग सब वंचित है। आज किसी के पास, मैं आपको बोल रहा हूं, जब डुंगुर में हम लोग को हटाया गया, जमातिया था, ज्ञान था, टाइपिंग था, तो किसी ने देखा कि उन लोग ज्ञान था, टाइपिंग था, जमातिया था, नहीं भूकंपाया लेके हटाया। कोई देखता है जब सीए पास हुआ कि आप हिंदू है या क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है, नहीं, आपने सीए जब त्रिपुरा में इंप्लीमेंट किया तो आपने मिजोरम को क्यों हटाया, मिजोरम को क्यों बख्श दिया, नागालैंड को क्यों बख्श दिया, अरुणाचल प्रदेश को क्यों बख्श दिया, सिर्फ त्रिपुरा को क्यों बोला करो। उस समय किसी ने देखा कि हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, हम बुद्धिस्ट है, नहीं, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है, और ये राजनीति में हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग टिपरासा है, हम लोग को अपना सीधा लाइन में जाना है और टिपरासा के बारे में बात करना है। ये ममता बनर्जी क्या कर रहा है, या वहां में क्या हो रहा है, या दिल्ली में क्या हो रहा है, या यूपी में क्या हो रहा है, या गुजरात में क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या, हम लोगों को कुछ मिला है 70 साल में, हम लोग का दोहा को कुछ मिला है। आज हम अगर स्टाइपेंड निकालता है अपना टिपरासा लोगों के लिए, हम क्यों ये करना चाहते हैं, पुण्यों है यहां पे, हम क्यों करना चाहते हैं, हम चाहता है कि गवर्नमेंट भी, ये पैसे के बारे में नहीं है, This is not about the money. ये पैसे के बारे में नहीं है। जब आप लोग का अदम हो या ओकरा हो या जो चंताई हो या कास्को हो या चौधरी हो, जब आप लोग का हेड प्रेसिडेंट हो कम्युनिटी को, जब हम लोग थोड़ा स्टाइपेंड देना चाहता है, ये पैसे के बारे में नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट का थ्रू ऑफिशियली आपको सम्मान देने के लिए हमने ये स्टाइपेंड शुरू किया है। जब गुबागरा आपको पगड़ी देता है तो पगड़ी का क्या दाम है, लेकिन जो ऑफिशियली
सम्मान आपको आपके कम्युनिटी में, आपके देश में, आपके लोकल में देता है वो उसके बारे में। ये सैलरी नहीं है। जब कल किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता पूछता कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा, नहीं, एक सम्मान होता। जब किसी को चौधरी बनाया जाता है वो रैंक के लिए नहीं है, ये सम्मान के लिए। हम अपना काउंसिल से आपको ये सम्मान देना चाहिए। जब गवर्नमेंट और काउंसिल आपको सम्मान देगा, एक रुपया हो या एक लाख रुपया हो, तब आपके अपने ही दफा में आपको एक इज्जत मिलेगा। ये इज्जत मैं देना चाहता हूं, ये मेरा सोच है। आज भस्म पूजन में आपको बुलाया है, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं। आपसे नहीं मांग रहा हूं कि अरे वोट करो हमको, हमको वो नहीं चाहिए। वो आप गुवागर को प्यार करता है, आप प्यार करता है वो तो मिलेगा। लेकिन आज यही तो प्रॉब्लम है, बहुत लोग आप गुवागरा को समझते ही नहीं। गुवागरा पॉलिटिशियन नहीं है आज, क्योंकि कोई चारा ही नहीं रहा, कोई जगह ही नहीं रहा। इसके लिए मैं राजनीति में आया हूं। अगर हमको अपना लक्ष्य मिल गया, तीव्र लैंड है, मेजर तीव्र है, हमको राजनीति में रहने नहीं है। हमको कॉलेज खोलना है, हमको हॉस्पिटल खोलना है, आप तीव्र सर को हेल्प कर दो। नेता बन के क्या करेगा, 10 साल 5 साल वो यहां में है, हम लोग तो रह सकते हैं। गुब्बारा है वो काम नहीं। और दिन भी नहीं है। और आज इतना मैंने सैक्रिफाइस किया है, अभी तक हमारा परिवार नहीं है, संसार नहीं हुआ। I have got no family. I am not married. I don't have a family. और I'm doing it because ये अगर 2023 में अगर हम लोग ने एक लास्ट बार दिल्ली में जाकर एक आवाज में बात की, not as Jamatia, not as Deparma, not as Chakma, not as Urupini, not as Koloi, not as Riyang, not as any Uchoi, not as Darlong, not as Ranglong, but as Tiprasa in Delhi, they will not be able to divide us. Wo divide nahi hoga, divide and rule. Angrez ne Hindustan mein shashan kiya, Angrez ne Hindustan mein shashan kiya, divide and rule karke. Lekin wohi Angrez त्रिपुरा में शासन नहीं कर सका, क्योंकि वो लोग त्रिपुरासा को डिवाइड नहीं कर सका। लेकिन आज 70 साल में त्रिपुरासा को डिवाइड रूल करके आज शासन हो रहा है। और इसमें आप कोई कम्युनिटी को ब्लेम मत करो, कोई धर्म को ब्लेम नहीं करो, ये हम लोग का गलती है। और इसके लिए मैं जानता हूं कि कमल ने बोला था यहां में 2 मिनट, मैंने ज्यादा बात किया। मैं दिल से बात कर रहा हूं, कोई कागज नहीं है सामने, कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं किया मैंने। मेरा दिल के अंदर जो बात है मैं वो आपसे बात कर रहा हूं। मेरा तबीयत सच में ठीक है, और अगर मैं इस बार आपको कुछ नहीं दे पाया, कल मैं मेवा से जाकर मिलूंगा आगे, मैं पाटिल से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, जितेंद्र चौधरी से मिलूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, रेवती त्रिपुरा से मिलूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमको आप लोग प्लीज गुवागरा को थोड़ा ताकत दो, आप हमको ताकत दो कि हम जाके दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये अगर तरह का गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाकर कुछ अपना तीव्रता के लिए संवैधानिक लेके आए। ये जो फाइट है ये राजनीति का फाइट नहीं है, ये हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है। और ये फाइट मैं सिर्फ एक बार कर सकता हूं, सिर्फ एक बार कर सकता हूं, बार बार नहीं होगा। ये जो चांस है हमारा, ये लास्ट चांस है। और हम आपको अपील कर रहे हैं, ध्यान से रखिए, यहां में आपका दुश्मन
कोई चकमा नहीं है, कोई देवबर्मा नहीं है, कोई जमातिया नहीं है, कोई रियांग नहीं है। आपका डीएसओ का प्रॉब्लम सांग्रोमा नहीं है, सांग्रोमा का प्रॉब्लम ब्रू मथुरा नहीं है, त्रिपुर क्षत्रिय समाज का प्रॉब्लम त्रिपुर क्षत्रिय समाज नहीं है, हमारा चुगलाई गुजू का प्रॉब्लम वो नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग के दिल, हमारा दिल थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर आज से 100 साल पहले हम लोग सब बैठ के टीकरा सा करके हम लोग अगर काम कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू इट। आज हमारे पास ज्यादा एजुकेशन है, आज हमारे पास बिजली है, आज हम लोग के पास रोड है, आज हम लोग के पास स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन आज हम लोग के पास थानसा नहीं। अगर वो थानसा आ जाएगा तो जो हमारा इतिहास था वो हमारा भविष्य था। आज दशहरा है, इसके बाद ख्वाजागिरी है, हलोक भी है, इसके बाद हम चाहते हैं कि आप जैसे पूर्व में बहुत राइटली बोला, जो हम लोग का कल्चर है, हम लोग का फेस्टिवल है, आप बनाइए हमारा जो प्रोग्राम में कल्चर में। आप अगर क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है तो हम लोग अपना कास्को को रिया कम्युनिटी से क्यों नहीं उसको बुला के चीफ गेस्ट बना सकते हैं। अगर हमारा खोदा का कोई प्रोग्राम है तो हम लोग अपना त्रिपुरा कम्युनिटी से क्यों इसको हेड बना सकता है। अगर कलोई का कोई प्रोग्राम है तो हमारा जवंती खोदा क्यों नहीं चीफ गेस्ट बना सकता है। अगर हम लोग ही एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी को अगर इज्जत दिया, चीफ गेस्ट बुलाओ, गेस्ट ऑफ ऑनर बना के बुलाओ, और हमारा कम्युनिटी के प्रोग्राम में हम लोग को चीफ गेस्ट बनाए या स्पेशल गेस्ट बनाए। ये जैसे कि पूर्णो ने राइटली बोला, नागालैंड में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो नारा रहता है कल्चर कल्चर फॉर प्रोग्राम। अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारा सोसाइटी के बारे में कोई प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम है या कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम है वो अलग है, आप किसी को भी बुलाइए, लेकिन जहां में सोसाइटी है, जहां में दोहा है, जहां में हमारा इतिहास है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसमें आप किसी को बुलाइए, लेकिन टिपरा सा होना चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप हमको बुलाओ या रेवती को बुलाओ या जितेंद्र चौधरी को बुलाओ, मेवाड़ को बुलाओ, एनसी को बुलाओ, पताल को बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारा जो प्रोग्राम है तो कल्चरल प्रोग्राम है, क्योंकि हमको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तो वही इज्जत जो हम लोग अपना सोसाइटी को तोहफा को देता हूं, अगर किसी और को देगा तो जिष्णुकर्ता को बुलाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाहर से किसी को बुलाने में ये प्रोग्राम हमको नहीं लगता है ठीक है। और भी प्रोग्राम होगा वहां में उनको बुलाकर आदर दीजिए, अच्छा है, हम लोग का भी दिल बड़ा है, लेकिन कल्चर को पॉलिटिकल पोजीशन से मत मिटाओ। कल्चर कल्चर होता है, सोसाइटी सोसाइटी होता है, और राजनीति राजनीति। आप जाके देखो डोनाल्ड ट्रंप को कोई इनवाइट नहीं करेगा दशहरा में, दिवाली में अयोध्या में इतना प्रोग्राम होता है, कोई बाहर से किसी को इनवाइट नहीं करेगा। जगन्नाथ पुरी में जब प्रोग्राम होता है तो वहां का जो उड़िया, वहां का जो पुरी का राजा है वो रहता है। तो कल्चर को आप पॉलिटिक्स से मिक्स मत करो। पावर में आज कोई भी होगा, अगर वो हमारा टीपरा चाहता है तो उसको इज्जत देकर आप बुलाइए। लास्ट मैं आपको, मैंने क्योंकि टाइम नहीं मिला और तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन ये बात कमल को भी मालूम नहीं, मैंने यहाँ में हमारा जितना भी जो हेड्स है अलग अलग कम्युनिटीज का, उनके लिए मैंने ऑर्डर किया है एक
कॉइन सिल्वर कॉइन जिसमें अपना आगे की जो महाजन की विक्रम लिखा था, लेकिन उसको हमने ऑर्डर किया है और एक महीना लगेगा, ये स्पेशली बना है और एक भी रुपये गवर्नमेंट का नहीं है, मैंने अपना पब्लिशन खर्चा किया है। ये आप सबके लिए एक सिल्वर का एक कॉइन है जिसमें हम लोग का चिन्ह है, और ये सिल्वर कॉइन प्योर बल्कि ये सिल्वर प्लेटेड है प्रॉपर। आप सबको मैं आने वाला एक महीने के अंदर दूंगा, उसमें त्रिपुरा एरा भी लिखा है, त्रिपुरा अब तो भी लिखा है। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ आपका लिए नहीं है, हमारा पूरा कम्युनिटी के लिए है, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि हाँ 2021 में प्रद्युत मानिकीय ने हम लोग को वही चीज सम्मान दिया एक सिल्वर कॉइन करके, अलग से सिर्फ अलग से प्रिंट हो रहा है आप लोग के लिए। तो आप लोग कल नहीं रहे, आप लोग का नेक्स्ट जनरेशन के पास तो एक याद रहेगा कि हम लोग ने कुछ कोशिश की, ये मैं कर रहा। सर्टिफिकेट यहाँ में आई थिंक दिलीप जबरमाउली सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन ये मेरे तरफ से है। मैं आपको, मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमको हेल्प करो, प्लीज़ आप हमको हेल्प करो, हम अपना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपने हमको हेल्प किया तो हम लोग कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने संग लड़ते रहा तो कुछ अचीव नहीं। ये मेरा मैसेज है, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, मैं आपको सबको दिल से प्यार करता हूँ। अभी खाना भी है और आई थिंक कुछ सेकंड का वो भी है, आप लोग एक होकर काम कीजिए। नेक्स्ट मंथ दिल्ली का अभियान के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और उसके बाद हम लोग फिर से छोटा छोटा होकर हम लोग क्या कर सकता है जिससे हंसा रहे, आपका भी मैं ओपिनियन लेना चाहता हूँ। नेगेटिव नहीं, हम लोग पॉजिटिव बन के काम करना चाहते हैं, धर्म को नहीं जाति को लेकर, जाति नहीं देश को लेकर आगे बढ़ा। दलाई नोहम्बाई तीपरा मथा तो है, लेकिन तीपरा सा सबसे आगे है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूजा जाति उलो वो जाति, पूजा तीपरा सा उलो राजनीति उलो पार्टी। दलाई नोहम्बाई आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, प्लीज स्टे यूनाइटेड, प्लीज डू वेल, और अगर आपने हमको आशीर्वाद दिया और आपने हमको गाइड किया, आई नो दैट यू विल, वी विल अचीव समथिंग, दैट इज माई ओनली डिजायर, दैट इज माई ओनली ड्रीम, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। हम भाई को मगरा जिसमें जो तो लम्बा